नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आज का सुविचार, ज्ञान योग की परंपरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म के उद्धार के लिए प्रकट होता हूँ। लेकिन ये धर्म क्या है, इस पर विचार करें। भूत वैशिष्ट अर्थात प्राण का स्वाभाविक आचरण ही धर्म है। जब तक हम अपनी मूल प्रकृति के अनुकूल कार्य कर रहे हैं, तब तक हम धर्म की राह पर हैं। अपनी प्रकृति के प्रतिकूल होना अधर्म है। संतुलन ईश्वर का विधान है और प्रकृति का नियम है। यहाँ दो रूपों में हम इसे देख सकते हैं, पहला प्रकृति में संतुलन, दूसरा समाज में संतुलन। भगवान प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं और हमेशा हमारी मदद में हर जगह उपस्थित रहते हैं। गर्मियों में नींबू, तरबूजे, खरबूजे, फाल से, संतरे ठंडक पहुंचाते हैं। ये गर्मियों में ही पैदा होते हैं। जाड़े में गर्मी पैदा करने वाले मेवे, खजूर, सौंठ, गुड़, लहसुन इत्यादि बहुत तादाद में पैदा होते हैं। कश्मीर में सेब, समुद्र तट पर नारियल मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यानी जहाँ जहाँ जो आवश्यकता होती है, ऊपर वाला ध्यान रखता है और प्रबंध करता है। समुद्री जीवों में सीप, शंख, मूंगा का जो बचाव के कवच प्रकृति ने प्रदान किए हैं और जो आश्चर्यचकित कर देने वाली आकृतियाँ प्रभु ने बनाई हैं, उसे देखकर मन बरबसी कह उठता है कि प्रभु तेरी माया अपरंपार है। समाज में संतुलन। समय समय पर दिव्य पुरुष पैदा होते हैं। वे समय की धारा को अपने साथ मोड़ लेते हैं। यही अवतारी पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं अवतार लेता हूँ और दुनिया का उद्धार करता हूँ। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।